हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जी हाँ, ये हैपन हमेशा हो जाता है घर में, तो वो है आज की रेमेडी टूथपेस्ट के हवाले से। तो टूथपेस्ट को करना क्या है वो मैं अब बताऊँगी आपको कि टूथपेस्ट को आपने क्या करना है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। तो जी, आज की वीडियो जो है वो जैसे कि मैंने बताया है आपको कि टूथपेस्ट के साथ हम क्या करने जा रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कुछ महीने पहले मेरे बाजू पे ना जल गया था, मेरा बाजू ना, जब मैं अवन में जैकी पोटैटो बना रही थी तो मैंने ऐसे ही जब जैकी पोटैटो रखा तो यानी कि उतारा, बिल्कुल जब बन गया था ना तो उसके बाद जब मैंने निकालने लगी तो यहाँ पे मेरा बाजू ना जल गया था। तो मैंने जो रेमेडी की है वो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी उसको शेयर किया जाए फौरन ही, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा, ये देखिए काफ़ी बड़ा निशान बन गया है, आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला। तो जब ये जला तो काफ़ी बर्न हो रहा था, मुझे ना काफ़ी पेन एकदम से शुरू हो गई क्योंकि एकदम से अवन की बर्निंग थी, अवन में जब रखा था पोटैटो निकाला तो उस वक्त ये बर्न हो गया। तो मैंने ना फौरन क्या किया, मैंने ये टूथपेस्ट ली और टूथपेस्ट लेने के बाद मैंने इस तरह से ना अपने बाजू के ऊपर इसको लगा दिया, थोड़ा सा ऐसे लगा के मैंने इस तरह से इसको स्प्रेड कर दिया, ठीक है, इस तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से ना जो भी बर्न एरिया था वो सारा कवर हो जाए, ठीक है। टूथपेस्ट के साथ इसको मैंने कवर कर दिया। तो मैंने इस तरह से ऐसे ही लगा रहने दिया पूरा दिन, जैसे भी, जब तक ये ड्राई नहीं हुआ था, ठीक है, जब तक ये ड्राई हो गया, क्योंकि उसी वक्त जब बर्निंग हो रही थी ना तो जब मैंने टूथपेस्ट लगाई तो फौरन वो बर्निंग जो थी वो ख़त्म हो गई, बिल्कुल कूल हो गया सारा एरिया ना, स्मूथ हो गया बिल्कुल। तो मुझे जलन से भी आराम मिला, स्मूथ हो गया, बर्न बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूं। और ब्लिस्टर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। नॉर्मली ऐसे होता है ना कि जब बर्न हो जाता है तो ब्लिस्टर आ जाते हैं, जैसे छाले वगैरह पड़ जाते हैं, तो वो इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि जब टूथपेस्ट लगाते हैं तो वो कूल कर देती है स्किन को आके, तो वो फिर ब्लिस्टर नहीं आते उभर के, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इस तरह से फौरन लगाया और लगा के मैंने पूरा दिन इसको ऐसे ही रहने दिया जब तक वो ड्राई नहीं होता था, लेकिन जब ड्राई हो गया था फिर से मैंने दोबारा लगा लिया था। तो लगाने के बाद फिर मैंने क्लीन कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक तो ये उस वक्त मुझे आराम मिला, कोई जलन नहीं हुई, बर्निंग वगैरह सारा कुछ, वो सारी चीज़ें एकदम से घर पे अवेलेबल थी। टूथपेस्ट तो हर घर में ही अवेलेबल होती है, ठीक है, तो मुझे बाहर जाने की एकदम से ज़रूरत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरा ये हुआ कि आपने निशान अभी आपने देख लिया खुद ही कि कितना का निशान बना है, इतना ज़्यादा वो निशान भी बड़ा नहीं बना और डीप और डार्क जैसे होता है, कई बार ऐसे हो जाता है ना कि स्किन आपकी डार्क हो जाती है जल के, ठीक है, उस वक्त हुआ था काफ़ी डार्क और स्किन बन गई थी। तो फिर मैंने इसको स्किन को पील कर दिया था, जब मैंने पील कर दिया तो स्किन सारी, क्योंकि वो टूथपेस्ट की वजह से ना स्किन का सेपरेट एक लेयर था तो पील आसानी से हो गया था, तो मैंने वो पील कर दिया। अब जब इसको देखा तो ये स्किन का कलर जो था ना ये डार्क नहीं हुआ बिल्कुल भी, तो अब आप देख ही रहे थे, मैंने भी आपको दिखाया था, तो ये डार्क भी नहीं हुआ और इसके ऊपर जलन और ब्लिस्टर भी नहीं आए थे। तो ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि ये घर में इजीली अवेलेबल है और ऐसा तो हमेशा घर में होता ही रहता है, जब हम रोटी वगैरह भी बनाते हैं, कुकिंग करते हैं तो हमारे हाथ वगैरह जल जाते हैं, कभी ऐसा हो जाता है, कभी क्या बल्कि हर रोज ही हम लोगों के साथ जब घर में काम वगैरह होते हैं तो हर रोज या दूसरे दिन ऐसा होता रहता है। तो आपने सिर्फ टूथपेस्ट लेनी है, बस अपने जख्म पे इसको लगा देना है। चले, तो उम्मीद है कि ये रेमेडी आपको अच्छी लगी हो, अल्लाह ना करे अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप जरूर बताइए, लेकिन आप मुझे जरूर कॉमेंट करके बताइएगा अगर कभी आपका हाथ या पाँव या पैर या कोई चीज भी, बॉडी का हिस्सा कुछ जल जाता है तो आप क्या करती हैं, ताकि मुझे भी पता होना चाहिए ना कि मैं अपनी रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपकी क्या रेमेडी है, आप क्या करते हैं घर बैठे बैठे। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा, बाय।